लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में व्यापारी प्रकोष्ठ ने रुद्राभिषेक कराया। देश में एक बार फिर मोदी मैजिक के चलते भाजपा के प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वहीं पीएम गुरुवार के दिन को यानी 30 मई की इस तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। वहीं पीएम मोदी की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। इस कड़ी में राजधानी भोपाल के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में व्यापारी प्रकोष्ठ ने नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने पर रुद्राभिषेक किया और कामना की पीएम मोदी आगे भी देश का नेतृत्व करें। पूर्व में राजा महाराजाओं का राज अभिषेक होता था, इस तरीके से पुनः जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालने वाले हैं तो इसी राजा महाराजाओं की तर्ज पर हम लोग ने भी यहाँ पर उनका दूध अभिषेक किया है। और हम ये मानते हैं कि दूध अभिषेक करने से उन पे जो भी कष्ट आने वाले होते हैं वे दूर होते हैं। हमारे पंडित जी ने कहा कि 5 तरीके का उनका अभिषेक करिए, दूध से, जल से और शहद से, घी से और पानी और दही से, तो उनके जितने भी दुख दर्द होंगे वो दूर होंगे। तो हमने इन 5 मिश्रण को मिला के आज उनका दूध अभिषेक किया है। और हमारा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री 5 बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे देश की सेवा करेंगे, इसलिए आज हमने उनका दूध अभिषेक 10 किलो के दूध से किया था। और 1 किलो दूध हमने एक्स्ट्रा लेकर इसलिए किया है कि वह पुनः 24 और 29 तक की कमाल संभाले, इसलिए भी आज हमने उनका दूध अभिषेक 1 किलो के दूध से भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।